2011 के मॉडल की कल्टस गाड़ी हमारे सामने आ चुकी है भाई। 2008 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है और 2011 के मॉडल की कल्टस गाड़ी हमारे सामने आ चुकी है भाई। अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देंगे। उससे पहले अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करूँ तो आप गाड़ी का फ्रंट वगैरह देख लें भाई लोग, फ्रंट की कंडीशन गाड़ी की, लाइट्स वगैरह की कंडीशन वगैरह देख लें आप लोग। और अभी आपको गाड़ी की बैक की भी कंडीशन वगैरह दिखा दूंगा, मैंने पीछे से गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। तो टायरों की बात करें तो गाड़ी के टायर तो हमें गाड़ी के बिल्कुल ओके देखने को मिल जाते हैं। और पीछे वाले टायरों की बात करें, आप गाड़ी के पीछे वाले टायर भी देख लें, टायर तो बिल्कुल ओके देखने को मिल जाते हैं भाई। 10 से 9 नंबर हम दे सकते हैं गाड़ी के टायर को। और अभी आपको गाड़ी के पीछे वाली कंडीशन वगैरह भी दिखा देंगे, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के पीछे वाले लुक की बात करें तो आप गाड़ी के ये पीछे से कंडीशन वगैरह देख लें भाई लोग। और आपको गाड़ी की छत वगैरह भी दिखा देते हैं। अंदर से गाड़ी की कंडीशन की बात करते हैं, अंदर से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अभी आपको गाड़ी के डोर वगैरह दिखा देते हैं भाई, आप गाड़ी के डोर की कंडीशन वगैरह देख लें। डोर की कंडीशन तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, आप गाड़ी की डोर की कंडीशन वगैरह देख लें भाई लोग। और आई होप आपको सही नज़र आ रही हो गाड़ी की कंडीशन। तो सीटों की बात करूँ तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह भी देख लें भाई लोग, सीट्स की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। सीट्स की कंडीशन भी हमें गाड़ी की बिल्कुल प्रॉपर और काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की आगे से कंडीशन दिखा देते हैं, आगे से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो आगे वाले डोरों की बात करूँ तो आप गाड़ी के आगे के डोर वगैरह देख लें भाई लोग, डोरों की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं आगे के। अभी आपको गाड़ी का इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें भाई लोग। इंटीरियर डैशबोर्ड की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं आप लोग। और सीट्स की बात करें तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह भी देख लें, सीट्स भी हमें गाड़ी की बिल्कुल ओवरऑल नीट एंड क्लीन और काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देते हैं भाई, आप गाड़ी का ये इंजन वगैरह देख लें, इंजन की कंडीशन वगैरह कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंजन वगैरह देखने को मिल जाता है। बैटरी वगैरह देख लें आप लोग। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं और इंजन की क्या कंडीशन है, उनसे वो भी पूछ लेंगे। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई जी, गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये? सर 11 मॉडल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सिंपल से टैक्स क्लियर है? बिल्कुल ओके। एसी वर्किंग में गाड़ी में? ठीक हो गया। पेट्रोल सी जी दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल पे। पेट्रोल पे। एक लीटर में कितना दे रही है दादा? ये तकरीबन दे रही है 18-19 दे रही है। 18-19 दे जाती है? शहर के अंदर या हाईवे वगैरह पर? नहीं हाईवे पे, शहर के अंदर मतलब थोड़ा कम है। आता थोड़ा कम हो जाता है। ठीक हो गया। गाड़ी में किसी किस्म का काम आपको लगता है? वही बस ओरिजिनल गाड़ी है, जेन्युइन गाड़ी है। अच्छा, शावर हुई है या टचअप है? ये आगे बूना डालता हूं का शावर है, बाकी अंदर बाहर से जो है ना ये जेन्युइन है। अंदर बाहर से जेन्युइन है, आगे जेन्युइन है और जो बोनट इसका वो टचअप है, थोड़ा हल्का हल्का शावर है। ठीक है। इंजन अपना गाड़ी का? हाँ ओरिजिनल इंजन है। डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? डिमांड इसकी कर रहे हैं सर हम 9-20 कर रहे हैं। 9-20 कर रहे हैं फाइनल, मतलब कमी पेशी करके कितना कर देंगे? पेशी थोड़ी बहुत हो जाएगी, अगर कोई बात करेगा तो हो जाएगा, हो जाएगी कमी पेशी ना। ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दें। ये 0334 0334 3138 3338। आपका नाम? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन भाई, लोकेशन कहाँ है, गाड़ी कहाँ मिलेगी? लोकेशन है इसकी जनाब गाजी मीना टाउन, थाना नहीं है वो, आसपानी रोड पे जी, गुलशन इकबाल। ठीक हो गया, ठीक हो, ठीक हो, थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया भाई। 2008 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देंगे। आप गाड़ी का ये फ्रंट वगैरह देख लें, पहले गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं आपको, गाड़ी की लाइट वगैरह देख लें आप लोग। और अभी आपको गाड़ी की बैक की भी कंडीशन वगैरह दिखा दूँगा आपको, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। तो टायरों की बात करूँ तो आप गाड़ी के टायर वगैरह भी देख लें, पहले टायरों की कंडीशन वगैरह। और अभी आपको गाड़ी के पीछे से भी टायर वगैरह दिखा देता हूँ, पीछे के टायर वगैरह भी देख लें। पीछे से लुक की बात करें तो आप गाड़ी की बैक की कंडीशन वगैरह देख लें, मैं बैक की कंडीशन मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। आप गाड़ी की ये देख लें, थोड़ी ये गाड़ी लगी हुई आई थिंक शायद ना कहीं पर। तो आप गाड़ी की छत वगैरह भी दिखा देता हूँ मैं आपको, मार्केट देखें भाई आप, मार्केट की सूरत हाल वगैरह देख लें। अभी आपको गाड़ी के डोर वगैरह दिखा देते हैं भाई, आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें, डोरों की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। और अभी आपको गाड़ी की सीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग, गाड़ी की सीट्स की कंडीशन वगैरह। अगर मैं ये हटा के दिखा दूँ आपको, गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग। और आप गाड़ी के पीछे से भी कंडीशन वगैरह देख लें, स्पीकर वगैरह की कंडीशन वगैरह देख लें, स्पीकर वगैरह लगे हुए भाई। और अभी आपको गाड़ी की आगे से कंडीशन दिखा देते हैं, आगे से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। गाड़ी के डोर वगैरह देख लें आप लोग,
और अभी आपको गाड़ी की सीट्स वगैरह दिखा देते हैं। आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग, सीट्स की कंडीशन वगैरह देख लें। सीट से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके देखने को मिल जाती है, मतलब सीट्स तो हमें गाड़ी की ओके देखने को मिल रही है भाई। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड से हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है पैसे कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये इंजन वगैरह देख लें भाई लोग, इंजन रूम की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। तो अभी आप गाड़ी की बैटरी वगैरह भी देख लें भाई लोग, बैटरी की कंडीशन वगैरह देख लें। ईच एंड एवरीथिंग गाड़ी की आपको कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। आप ये गाड़ी का इंजन वगैरह देख लें भाई लोग, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखने को मिल जाती है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहा है। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी वो डिमांड क्या कर रहा है। 2008 का मॉडल है, अंदर से जेन्युइन है, बाहर से शावर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स क्लियर है? डॉक्यूमेंट क्लियर है, क्लियर का सोटा। एसी वर्किंग में गाड़ी में? एसी वर्किंग है, एसी एनजी पेट्रोल वो भी। ठीक है, पेट्रोल सीएनजी दोनों पे। पेट्रोल एक लीटर में कितना दे रही है पेट्रोल पे? ये नहीं पता। डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? डिमांड है 6,80,000। और कमी पीछे हुआ है कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड आता है हो जाएगी? अपना नंबर शेयर कर दें। 0301-24-69-186। आपका नाम? काशिफ। ये हो गया काशी भाई ने भाई अपना नंबर वगैरह बता दिया, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद है तो काशी भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।